क्या मन्नत आप मतलब इस तरह गई फिर आप कावड़ लेने गए कोई मन्नत होगी? मन्नत तो है और दूसरी मन्नत याद ही भोला बाबा हमारे को आनंद पोते बारिश कर देती है तोहफा नहीं देती है। राम राम जी सारे नाम आपका अपना वीके सुनत पर ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे दोस्तों आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है जोरदार जबरदस्त एक्शन के साथ। तो प्यारे दोस्तों आपको लेकर आए हैं भोले की मस्ती में, कावड़ी की मस्ती में आपको लेकर आए हैं। तो आपको मिलवाओ कावड़ी भाइयों से, देख लो सबसे पहले ये कावड़ देख लो आप और इनसे परिचय करवाते हैं अपना। तो जय भोले। जय भोले। आपका नाम जी? अशोक। कहाँ से आए हो? रोहतक से। रोहतक से। तो आप ये लीटर जल कितने लीटर जल ले रहे हो? 31। तो इससे पहले आपको ये कावड़ भी लेकर आए? हाँ। कितनी कावड़ ले चुके? 20वीं है यार। 20वीं? तो आप 20 कावड़ लेके आने लग रहे हो आज, आप यह 20वीं है तो आपकी इसी के तमन्ना है? भोले बाबा मैं बुलाओ मैं जाऊंगी। अच्छा, फिर भी आपने इतनी कार उठा ली है, कोई तमन्ना आपकी पूरी हुई नहीं? और हमारी तमन्ना सारी पूरी है। अच्छा, तो आप मतलब ईसा के पाना चाहो भोले दया की आप हर बात कावड़ लेंगे? सबकी मैं दे रखे पावा की। अच्छा, भोले की मस्ती में चले जाओ। अच्छा, तो कितने किलोमीटर का सफर कर लिया बाप? 30 रह जाएगा, 300 है रोज तक। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप सारी कलश कार्ड ले गए यार बाप? हाँ सारे कलश। तो आपका मन नहीं करा कि मैं डाक में जाऊँ या फिर चूल्हा कार्ड ले जाऊँ या फिर ट्रोली वाली कार्ड? मेरी माँ के लिए ले आऊँ भाई। अच्छा, मेरी माँ ने नुआऊंगा। अच्छा, आप आई साल नुआऊँ? आई साल नुआ। तो आप अपनी माँ ने नुआ खतरा हरिद्वार भी ले जा सको? वो जा नहीं सकती ना। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया, आपका जो यात्रा मंगलमय है, सुख शांति रहे जाए भोले बाबा की कृपा पड़े। तो अभी भाइयों से मिलते हैं। राम राम भाई जी। जय भोले। क्या नाम है? परीक्षित। हाँ जी, आपका क्या नाम? मंजीत कुमार। हाँ जी, आपका? विशाल नाम है भाई। हाँ जी भाई जी। दीपक। तो आप सब ये कौन सी कावड़ लेके आए? या भाई पिट्ठू कावड़ है। पिट्ठू कावड़ है। तो जल की बात करें तो कितना के जल लेकर आए? जल तो इसमें हुआ भाई 1 लीटर। दो लीटर जल हुआ। आप तक कितनी कावड़ ले चुके? पहली है भाई। तो आपकी जी? पहली। तो आप क्या मन्नत आप मतलब इस तरह गई फिर आप कावड़ लेने गए, कोई मन्नत तो होगी? भाई मन्नत तो है भोला बाबा भू दो आज देखो भाई बाबू कद जाओगी और दूसरी मन्नत याद ही भोला बाबा हमारे को आनंद पोते बारिश कर देती है तोहफा नहीं देती है। बिल्कुल भाई। हाँ, दुआ करें कि आपकी तमन्ना पूरी हो। तो आपकी क्या तमन्ना? बस रे बस बोले ये दया है दरबार में जाना था। अच्छा, वह पूरी होगी। तो आप भी बोले मांगो बोले भाई? बस बोले। अच्छा, बाबा ही दा दो देवगा दे देवा। चलो बाबा ही दा तो भगवान आ जाओ भाई। तो अब तक की आपकी यात्रा यहाँ तक की कैसी की रही? एक नंबर यात्रा है भगत, मजे लंदे आया कि नाच देखो दीदी। अच्छा, तो बात करें हम उत्तराखंड में कितनी की सुविधा करने की? उत्तराखंड में ठीक है, ठीक सुविधा भाई काम चल। आप बताओ उत्तराखंड में कैसी की सुविधा? ऐसा है जो कावड़ियों के लिए, जो भक्तों के लिए जो उत्तराखंड में है, यूपी में भी बढ़िया है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रशासन की भी सहयोग है, वैसे भी बढ़िया सहयोग है। और यूपी में तो वैसे बेशुमार है, योगी का डंका है वहाँ तो। योगी वजह जहाँ भी जाते हैं रास्ते बढ़िया हैं, लाइटों की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। बीजेपी सरकार तो उत्तराखंड में है, बीजेपी सरकार यूपी में, बीजेपी सरकार हरियाणा में, हरियाणा जमुना पार होते ही सुविधा खत्म। किसी को कोई नहीं तो डायरेक्शन दे रखा ये रास्ता यहाँ जाएगा, यहाँ कोई फर्स्ट बार जा रहा है, कोई सेकंड बार जा रहा है, कोई थर्ड बार जा रहा है। एक बार जाते हैं साल में, उसको नहीं पता होता वो किस साइड में जाओगा किस साइड में नहीं। गाड़ियों में जाते हैं, नेट लगा कर चले जाते हैं, पैदल आते हैं तो नहीं नेट की सुविधा नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक कावड़ियों में तो बेचारा हूँ मैं भोले के प्रति श्रद्धा हूँ और भोला भगवान है सबसे ज़्यादा चीज का है उसका तो ये पसंद हो जाए। ठीक है, गंगा हमारी पवित्र माँ है पूरे भारतवर्ष में है। ठीक है, वहाँ तो हमें सब कुछ मिलता ही मिलता, जाता तो हमारा कुछ है नहीं, हम जाते हैं वहाँ से भावना होती है और भावना ही की कदर होती है और भावना तो सब कुछ मिलता है। ये नहीं कि भोला ला के कल ये कहते हैं भाई वही चाहिए फलानी चाहिए दबी चाहिए, कोई नहीं बताता। वो कर्म होते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। ये सिर्फ इच्छा होती है हमारी, हम वहाँ जाते हैं हमारी मानसिकता होती है। ठीक है, वहाँ शांत होगा वैसे, वहाँ सेट होना सेट वैसे अपने दिमाग से होना है सबसे बड़ा तो। ठीक है, सबसे बड़ा तो अपने दिमाग से अपने टारगेट पे। जब हम अपने दिमाग और टारगेट अपने सर चीज़ों पर होंगे संतुलित,
हर बंदे को दो हाथ दो पैर दो आँख सब कुछ दे रखा है। हमारा हम इंसान एक ऐसे इंसान है जो भूखे नहीं मर सकते जी। कोई नौकरी नहीं हो तब भी नहीं मर सकते जी, बिल्कुल। कोई खेती ना हो तब भी नहीं मर सकते बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी करना चाहे तो एक दिन की दिहाड़ी आज की डेट में 600-700 रुपए है, जो कि मोल आटा लगेगा, आटा किलो आटा नहीं खा जाओगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का होगा ठीक है, 30 रुपए की और सब्जी होगी, 30 की और घी क्या भी हो गया, 100 रुपए का हो गया, 100-150 रुपए में उसका जीवन चल जाओगा, 500 रुपए रोज भी बचा सकता है करने वाला हो जी। ये मैं कहता हूँ, क्यों कहते हैं वैसे बोल रहा है, ये तो सबने पता 700-600 रुपए सब्जी दिहाड़ी है, करेगा तो बिल्कुल कितने बैठ के कितने ठेके पे बैठ के 1000 रुपये उसकी लेडीज काम करेंगी बेचारी, अरे हो जाओगा वो काम नहीं होगा ठीक है। कोई सरकार के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, पर वो बरस जाए पर वो फलाना हो जाए कोई नहीं, अपना बरसना पड़ेगा जी, तो यहाँ से बरसेंगे ना सब कुछ बरसेगा, और बोला यही पहले हरियाणा के जो शिवर हैं आदमी हैं वो सबसे बढ़िया हैं, जो जो भगत हैं जिन्हें शिवर लगाए हैं वो उत्तराखंड से ही बढ़िया हैं, यूपी से ही बढ़िया हैं, सरकार जो हमारी वो तीनों दोनों से तुच्छ है, आदमी हमारे उनसे बढ़िया हैं सेवा करने में, आदमी बढ़िया होने चाहिए सरकार कुछ नहीं होता। कहने का मतलब देखो, आदमी रोड तो नहीं बना सकते, छाज पर से हम चले थे सॉरी सनोली मोड़ से छाज पर तक था, उखाड़ रखा है रोड, ये शिव भगत आएंगे पैदल यात्रा है आएंगे दिक्कत होगी, अरे थोड़ा हाथ तेल तो डालना था डलवा देते 2 किलोमीटर के टुकड़े पे, कोई अफसर आता हो कोई मिनिस्टर आता हो तभी तो डल जाता है, वो तो करते यूपी में जाओ झाड़ू लगाते पाएंगे, रोड का रास्ता है बिल्कुल साफ है क्लीन है, उत्तराखंड में बिल्कुल क्लीन है, हरियाणा में वो चीज नहीं, हरियाणा में वहाँ यूपी में बाउंड्री बना रखी है ताकि पद यात्री इस साइड में रहे, कोई दुर्घटना ना हो, यहाँ एक भी सुविधा नहीं है, वो तो आम आदमी नहीं कर सकता, वो तो सरकार कर सकती है, इसके लिए सरकार की तो ये करो, हम को सरकार से ये नहीं करते तो तू ये दे दे वो दे दे नौकरी दे दे फलाएं दे दे, वो चीज़ नहीं हमारी, एक शिव भक्त के प्रति कह रहा हूँ मैं, अगर सपोज कर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर कोई बाउंड्री होती लट्ठे लगा लगा कर डोरी बांध देते तो बंदा जाता नहीं, लोजा लग जाता, गाड़ी वाला को दुर्घटना घटने से बच जाती है, तो आपकी जो मनोकामना मनोकामना करेंगे प्रार्थना करेंगे भोले बाबा, देखिए जब आप नेक्स्ट वर्कआउट लेके आओ तो आपने सुविधा मिला हरियाणा फुल सुविधा मिले, तो भाई आपका क्या कहना है, ये बस तो एक बार जयकारा जरूर लगा दो, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय बोले जय। आप सभी नया वीडियो देखिए कैसी लगी, कमेंट करें जरूर, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक देखते रहे, एंजॉय करते रहे, सारा जय माता की।